नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है नीम ऑयल। जी हाँ दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है अगर आप इसे समय से स्प्रे करेंगे और एक सही डोज अगर आप इस्तेमाल करेंगे, देन आपको किसी भी केमिकल का जो स्प्रे होती है, पेस्टिसाइड होती है, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसकी अच्छी रिजल्ट पाई है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसे किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और इसका अटैक भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ज़्यादातर कीट का अटैक अभी होती है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर ब्रिंजल के में जो ब्रिंजल जो बैंगन के जो पौधे होते हैं उसमें ज़्यादातर तना छेदक और फल छेदक का कीट का सबसे ज़्यादा अटैक देखा जाता है, जो कि शुरुआती दौर में ही होती है। ज़्यादातर बैंगन के जो पौधे होते हैं जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है, जब छोटे से फ्रूट बनते हैं उसी वक्त फ्रूट फ्लाई एक मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है जो कि अपने डंग से फ्रूट के अंदर में इंजेक्ट करती है, वो वहाँ अंडे इंजेक्ट कर देती है जो कि बहुत ही जल्दी उसके अंडे से इलिया बन जाती है लगभग 2 से 3 दिन में और वो हमारे फ्रूट को नुकसान करती है। तो इसके लिए ये आप देख सकते हैं ये नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं और नीम ऑयल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर गार्डनिंग शॉप में भी मिल जाएगी। इसका जो फ़ायदा है वो हमारे बहुत सारे इस पर नीम ऑयल का फ़ायदा है, जैसे कि इसके स्प्रे से हमें वाइट फ्लाई, माइट्स, बहुत सारे कीट से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए स्प्रे हमें करनी होगी, ये आप देख सकते हैं एक चिपकू होती है, चिपकू जब हम मिला देंगे तो पत्तों के ऊपर जब हम इसकी छिड़काव करेंगे तो ये चिपकू और नीम ऑयल एक परत सी बन जाती है, जिससे कि जब कोई भी जो कीट होंगे वो पत्तों में ही अंडे देते हैं ज़्यादातर और फ्रूट में, तो इसका जब एक परत बैठती है तो अंडे देने की जो क्षमता होती है कीट की वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगती है और इसका विस्तार नहीं हो पाता है, जिससे हम बच सकते हैं। तो सही समय से हमें स्प्रे करनी होगी, एक समय होती है लगभग आप 7 से 8 दिन के अंतराल पर आपको इसकी स्प्रे करनी ही होगी, हर 10 दिन में आपको एक बार स्प्रे करनी होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल चलिए इस फ्लाई में ये फ्लावरिंग में अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो तना छेदक जो कीट होती है वो किस तरह से अभी इंजेक्ट कर दी है इस फ्रूट के अंदर में अपने अंडे, और बहुत जल्दी ये 2 से 3 दिन के अंदर में वो अंडे से वो इलिया बन जाती है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और स्प्रे करने से कितनी फ़ायदे हैं यहाँ आप देख सकते हैं इसकी इलिया किस तरह से बनी है और ये फ्रूट को अभी नुकसान करना स्टार्ट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो इसके ऊपर में एक परत सी बन जाती है जिससे बहुत सारे कीट से हम बच सकते हैं और ये ऑर्गेनिकली भी है, कम रेट में भी आपको मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं किस तरह से। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका स्प्रे बना सकते हैं। आपको ओवर इसकी डोज नहीं करनी है, नहीं तो अगर आप ओवर डोज यूज करेंगे तो जो हमारे पौधे के पत्तियां है उसे बर्न कर सकती है। आपको 1 लीटर पानी में लगभग 10 ml आपको देनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर अधिक आप लेते हैं तो आपके पत्तियां जो है वो बर्न होने लगती है। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये 1 लीटर की बोतल है जो कि मैंने ये लगभग 10 ml की लिक्विड ली है, ये है नीम ऑयल। 10 ml हमें नीम ऑयल लेनी है इस तरह से, और नीम ऑयल को हम घोलने के लिए इस पर कोई भी लिक्विड जो ये शैम्पू जो होती है, शैम्पू या फिर हैंड वॉश जो होती है उसका हम यूज कर सकते हैं ताकि वो पानी में अच्छी तरह से घुल सके, और ये भी जो भी हो आपके पास हैंड वॉश या फिर डिश वॉश या फिर ये शैम्पू, आप आधा शैम्पू आप डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में। और ये एक चिपकू होती है, ये चिपकू जब हम मिलाएंगे तो पत्तों में पूरी अच्छी तरह से वो जो नीम ऑयल की परत होगी वो बैठ जाएगी, तो एक सुरक्षा कवच का काम भी करेगी। तो चलिए चिपकू भी हम मिला लेते हैं। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मुझे रिजल्ट मिली है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बार मैंने जो स्प्रे करी है उसका बहुत ही फ़ायदा मुझे मिला है। पिछले साल जब मैंने ग्रो किया था वेजिटेबल वाले तो शुरुआती दौर में फ्लावरिंग जब आए थे हमारे पौधे के ऊपर तो जो तना छेदक कीट है उसका असर काफ़ी अधिक हो गई थी। तो इस तरह से अच्छी तरह से अभी आपको मिला करके आपको स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के लिए आपको जब ऊपर से इस तरह से स्प्रे कर रहे हैं देन हमें पत्तों की बैक साइड भी करनी है, नहीं तो पत्तों की बैक साइड भी इसका ज़्यादातर अटैक होता है और हम जानते हैं कि वाइट फ्लाई या फिर माइट्स का अटैक पत्तों की बैक साइड पे होती है, खास करके ब्रिंजल या फिर मिर्च के पौधे पे।
तो इस तरह से नीचे से भी स्प्रे करनी है। और जब भी स्प्रे हम करते हैं तो वो शाम के समय हमें करनी होती है, जब सूर्य जो है वो डूब जाए उस समय हमें करनी है। धूप के समय हमें नहीं करनी है, नहीं तो फिर पत्तों का जो बर्न होने की जो होता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से चिपकू चिपक चुकी है पत्तों के ऊपर और नीचे भी, तो चिपकू मिलाने से बहुत ही फ़ायदे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक अटैक में आपको चलिए दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्लावरिंग के अंदर में अभी जो है तना छेदक और फल छेदक जो कीट है इसके अंदर अंडे दे दिए थे। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके इलिया निकाल करके किस तरह से इलिया इसके अंदर अभी बनी हुई है। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, नग्न आँखों से देखना बहुत मुश्किल होती है। अभी मैं आपको जूम के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कीट का है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो तादाद है वो बहुत ही जल्दी बढ़ती है, अगर सही टाइम पे हम इसे केयर नहीं करेंगे, सही टाइम पे इसे निजात नहीं पाएंगे, देन हमारे पूरे पौधे के जो फ्रूट है वो पूरी ख़त्म कर देती है। ख़ास करके जो ब्रिंजल होती है जो बैंगन पर इसका जो अटैक होता है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी है और ये हमारे फ्रूट को भी खाता है और तना में भी ये घुस जाती है। बहुत ही ख़तरनाक ये कीट है, ये आप देख सकते हैं, मैं जूम से आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। आप केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस नीम ऑयल का स्प्रे करके देखें, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। दोस्तों इसका रिजल्ट मुझे अच्छी मिली तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और आपको नीम ऑयल अधिक महंगी भी नहीं पड़ेगी, 60 से 70 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और आप जो भी फ्रूट अपने घर में लगाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत दिनों तक ये नीम ऑयल आपके पास चल सकती है, ये आप देख सकते हैं। और ग्रोथ तो आप इस पौधे की देख ही सकते हैं, फ्लावरिंग बन रहे हैं और फ्रूट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देन चैनल पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, और जो भी सवाल हो सुझाव है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं।